स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 8:30 और हम लोग आए हैं आज अल्मोड़ा में और हम यहाँ पर बैठे हैं अभी सुमंगलम में और हम लगभग आज 10 साल बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्योंकि ये पहले हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो हाँ रुको और अभी इनके साथ कोई एक अजूबा आने वाला है देखो। तो यहाँ 10 साल के बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हम पहले जब कॉलेज पढ़ते थे तो हम यहाँ पर यहीं पर आते थे स्पेशली खाना खाने के लिए। तो मिलिए इनसे, ये है मेरे हस्बैंड और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसमें मैं भी आता था, यही दो आते थे। अच्छा तुम भी आते थे, झूठ मत बोलो। हम दो आते थे लेकिन तीसरा हमारे साथ ये जरूर रहता था। तो फिलहाल अभी रघु को भी संतोष की काफ़ी याद आ रही है, वो सोच रहा है कि संतोष भी यहाँ पर होती तो हम भी उसको यहाँ का पराठा और भटूरा टेस्ट करवाते। तो फोटो दिखाओ जरा। हाँ ये रघु, ये रघुनाथ सिंह का चेहरा देख के हम कह सकते हैं कि संतोष को कितना मिस कर रहा है। संतोष देखो इसके चेहरे को देख के, देखो कि कितना इमोशनल हो गया है, रोने वाला है। मतलब ये इतना वो हो रहा है कि अगर संतोष होती साथ में तो ये स्टोर का आनंद कितना अच्छा हो जाता। हाँ। तो फिलहाल बने रहिएगा ब्लॉग में, जब तक पराठे आते हैं तो हम वेट कर रहे हैं और इन्होंने किया है ऑर्डर भटूरे का। तो फिलहाल बने रहिएगा ब्लॉग में कि आगे हम आज क्या क्या करने वाले हैं, तो चलते हैं तब तक। तो ये है सुमंगलम रेस्टोरेंट, देख सकते हैं आप, अभी तो फिलहाल खाली है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो आ गए हैं रघु और इनके छोले भटूरे, तो इनका इंतजार यहीं पर समाप्त होता है। संतोष तुम भी खाओगे? तो ये जैसा देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी बना हुआ होगा, तो आप भी कभी यहाँ आइए और यहाँ पर टेस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी यहाँ पर बनता है भोजन और आप भी आनंद लीजिए इस भोजन का। अभी हमारा भोजन यहाँ पर नहीं पहुँचा है, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने मंगाए हैं आलू के पराठे तो शायद बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद मेरे पराठे भी पहुँच चुके हैं, तो तब तक हम पराठे खाते हैं। तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में क्योंकि बूस्टर डोज लगानी है, देखते हैं लगती है नहीं लगती है। और ये रहा हॉस्पिटल। तो फिलहाल यहाँ पर बूस्टर डोज नहीं लग रही है और संग्रहालय में लगने वाली है। तो ये है यहाँ का मछली बाजार। तो ये है अल्मोड़ा का म्यूज़ियम, देख सकते हैं आप। अब पता करते हैं यहाँ पर बूस्टर डोज लग रही है कि नहीं लग रही है। ये है इतनी बड़ी नाव, लोहे की है ना, ये लोहे की बनी हुई है। कुछ खा लो। तो फाइनली बूस्टर डोज अभी 10 बजे देखेंगे कि क्या होता है और अभी हम लोग जा रहे हैं तब तक किम सिंह मोहन सिंह की दुकान में मिठाई लेने के लिए, जो यहाँ की फेमस मिठाई है और फेमस शॉप है यहाँ पर की। Yeah.
अभी बाहर बारिश हो रही है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि बूस्टर डोज का पता तभी लग पाएगा जब 10 बजेंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद ही हमें पता चल पाएगा। तो फिलहाल हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, फाइनली हमने बूस्टर डोज लगा ली है और टाइम हो गया 10:30 और गाड़ी भी पहुंचने वाली है, तो फिलहाल भी चलते हैं और रानीखेत की ओर निकलते हैं। चलो रघु, चलो चलते हैं, गाड़ी भी पहुंचने वाली है। तो हम पहुंच चुके हैं रोड पे और यहाँ पर हम करेंगे गाड़ी का वेट। चौहान जी और मिस्टर आने वाले हैं वहाँ पे। क्यों रघु, मेरे मिस्टर ही फिर तुम्हारे थोड़ी मेरे मिस्टर तो अभी थोड़ा साला नहीं साला नहीं। तो फिलहाल हम वेट करते हैं यहीं पर। चलो यहीं पर वेट करते हैं। फाइनली हमारा इंतजार खत्म हो चुका है और गाड़ी पहुंच चुकी है। मैं आगे बैठ रही हूँ, ठीक है। अगर चल जाता है वहाँ, चल तो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा ना, यहाँ से तो नहीं, कहीं वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ जर्नी सभी को। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। चलो आ, नीचे भी है वो शैल झाड़ भी है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। स्कूटी के कागज लाने वहां से, हाँ इंश्योरेंस के। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। गांधी चौक से आगे की मार्केट। अब हम पहुंचेंगे केमो स्टेशन पे। तो अभी हम हैं सुभाष चौक के पास में। अरे तेरे लिए तो वेट कर रही हूँ मैं, चलो ऊपर को चलो। ट्रैक सूट। तो ये सुभाष चौक से एक ऊपर को छोटी गली जाती है और यहाँ से हम चलेंगे जहाँ पे हमें जाना है। तो ये है वो दुकान जहाँ पर ट्रैक सूट बनते हैं। फेमस है यहाँ पर कि हमने बहुत बार बनवा लिए हैं। नमस्कार नमस्कार। स्पोर्ट्स वेयर करके है ना ये? हाँ हाँ। ये तो कौन सा बनाना है? फिट आ रहा है ना? ट्रैक सूट बनाने के लिए दे दिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पर। गाड़ी ज्यादा देर खड़ी नहीं करने देते। तो फिलहाल चलते हैं और मांदा को भी वहाँ से लेके आना है, हेड़ा खान से। वो आँख दिखाने के लिए गए थे तो चलते हैं। इतनी दूर पे गाड़ी खड़ी रखी। नमस्कार सर। टाइम लगता है थोड़ा, बहुत देर हो गया। कान मारे चौहान जी। मांदा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसे हैं? धन्यवाद। कैसे? चलो वो बहुत बड़ा लग रहा था। हॉस्पिटल के सामने ही हेड़ा खान मंदिर भी है, आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा हल्का हल्का। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर कभी हम लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी चलते हैं। चश्मे का ऑर्डर दे दिया गया है और अभी हमें निकलना भी है, क्योंकि मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हमें टाइम पर पहुँचना है। रिची
ये रिची है, यहाँ पर हम चाय पियेंगे। और ये वो स्थल है जहाँ पर हम अपने कॉलेज टाइम पर घर से आते वक्त चाय पी जाते थे, वो भी स्पेशली रुक के। रुक के सच में? यस, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती थी। और यहाँ नमस्कार नमस्कार। और यहाँ पर बहुत ठंडा हो रहा है आज। मैडम वीडियो बना जरा, वीडियो आ गया। अल्मोड़ा जिले के सबसे लंबे शिक्षक की मौसम बहुत ठंडा है। फिलहाल हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पर आग भी जली हुई है। भात खा लो साथ में, चाय पी लेते हैं। ये फूकनी भी इतनी लंबी हो चुकी है कि वहाँ तक फैन ढाबे में भोजन का आनंद लेते हुए। और यहाँ आग सेकते हुए, आग तो कम धुआं ज्यादा है ना। बैग ले, ये बैग वापस फोन लाए तो लाओगे। बाय रघु, बाय बाय, जल्दी करो। ठीक है फिर, पहुंच चुके हैं चौनलिया और चलते हैं घर को। यहाँ भी मौसम काफी चेंज लग रहा है। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।